तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम के लिए कवर बना सकते हो। पहले मैंने बताया था लेटर वाले, ठीक है, लेकिन अब कौन से वाले बताऊंगा, जो आइकॉन रहते हैं वो वाले, जैसे बैग का आइकॉन, फूड का आइकॉन, फ्लाइट का आइकॉन, ये रहते हैं, ये वाले भी बताऊंगा। पहले मैंने कौन से बताए थे, ये वाले, मतलब ये जो थे इसमें लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, जैसे मेरा नाम गुरु है जी यू आर यू, ऐसा लिख सकते हैं, वो वाले मैंने बताए थे। लेकिन अब थोड़े अलग बताते हैं और थोड़े यूनिक बताते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और तुम्हारी भाई की वीडियो में थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ता है, तो एंगेजमेंट बढ़ा दो यार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो हेलो गाइस, हम आ गए एंड्रॉयड स्क्रीन में, और आपको सिंपली मैं बताऊंगा वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली प्लस का जो आइकॉन है ये दिख रहा है ना, प्लस का आइकॉन, इसमें आपको क्लिक करना है। अब पहले ये पूरा ब्लैंक है, हम स्क्रीन से बताएंगे, स्टार्टिंग से बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चूज़ करना है। बैकग्राउंड चूज़ करने के लिए ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में सबसे लास्ट में बैकग्राउंड लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है, और इसमें कोई सा बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। मेरे को रेड पसंद है, मैंने कर लिया रेड पसंद, और यहाँ कर लिया सही के निशान में क्लिक, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है फ्रेम चूज, ठीक है। तो ये बगल में फ्रेम लिखा है, इसमें फ्रेम करके फर्स्ट वाला फ्रेम चूज़ करना है, और इसको हल्का सा बड़ा कर देना, ठीक है, इतना बड़ा। अभी लिखा थर्ड नंबर में आइकॉन, तो आपको क्या करना है, आइकॉन इनमें से आप ले सकते हो, जैसे ये हो गया, ठीक है। चाहो तो आप एक कैमरा ले सकते हो, जो भी है, जो आप आइकॉन चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर ये ले सकते हो, या बहुत सा रहता है यहाँ पे, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। या तो ये घड़ी ले सकते हो, घड़ी भी अच्छी लग रही है, ठीक है, या फिर यहाँ से हवाई जहाज़ वगैरह या कुछ भी ए टू जी, ठीक है, नॉर्मल भी लेने, गिफ्ट लेने हैं, जिस टाइप का आपको आइकॉन चाहिए उस टाइप का आप ले सकते हो, ठीक है। मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लो, ठीक है, ये ले लिया आप। और इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको टेक्स्ट नहीं लिखनी चाहिए अगर आपने ये ले लिया, ठीक है। तो फिर भी अगर लेना चाहो तो आप ऐसे टेक्स्ट बीच में लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्या चेहरा ऐसे, लेकिन बीच में ही करना अगर लिखोगे तो, नहीं तो मत लिखना, ठीक है, ऐसे म्यूजिक, और इसको सही कर देना है। इसके बाद आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ राइट में क्लिक करना है, यहाँ से ऊपर, और सेव टू एल्बम कर देना है, ठीक है। ये सेव टू एल्बम कहाँ हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी, तो गाइस ये सेव हो जाएगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।